हापुड़ की गोल्ड मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साड़ी के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आसपास मौजूद दुकानों को खाली कराया और समय रहते आग पर काबू पाया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये आग मोबाइल मार्केट में स्थित दुकान से शोरूम तक पहुंच गई। मामले की जांच जारी है। अग्निशमन विभाग ने एक दिन पहले ही लोगों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी दी थी और पंपलेट भी वितरित किए थे। अभियान के अगले दिन ही गोल मार्केट में आग लग गई। हापुड़ की जैनलोक निवासी रमेश चंद वर्मा की गोल मार्केट में मनीष कौत एम्पोरियम नाम से साड़ी का शोरूम है। दुकान के संचालक रमेश चंद वर्मा शुक्रवार की रात दुकान के ताले लगाकर घर चले गए थे। शनिवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान से धुआं निकल रहा है। इसी बीच आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि आसपास की दुकानों को भी आग के कारण नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार साड़ी के शोरूम के पास मोबाइल की दुकान में लगी आग शोरूम तक पहुंची, जिसके बाद उसने भयानक रूप ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं दूर से ही देखा जा सकता था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान लाखों रुपये के नुकसान की संभावना जताई जा रही है।